हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये मधुकामनी का पेड़ है। मधुकामनी का वृक्ष सुगंधित फूलों में से एक है। यह एक ऐसा पेड़ है जो बहुत कम देखभाल में दिन और रात को सूखता है। मधुकामनी एक सदाबहार झाड़ी वाला पौधा है। यह फल बीज देता है और इसके एक पेड़ से बहुत से बीज बनाए जाते हैं। यह पौधा सभी जगह पर पाया जाता है, लेकिन इसका मूल क्षेत्र भारत माना जाता है। इसे ऑरेंज जस्मिन सुगर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे आसानी से गमलों या फूलों के बगीचों में सजाया जा सकता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके फल एक या दो बीजों के साथ लाल अंडाकार होते हैं। मधुकामनी के मनमोहक सुगंध और साल भर फूल देने के कारण लोग इसे अपने घर की वाटिका में बड़े शौक से लगाते हैं। इसे हिंदी में कामनी कहा जाता है। यदि आप मधुमक्खियों, पक्षियों और तितलियों को अपने बाग में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह एक पौधा एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्यारा पौधा अंडाकार, चमकदार और गहरे रंग की पत्तियों के साथ कम्पैक्ट झाड़ी नुमा एक वृक्ष है जो अंधेरे शाखाओं में फैलता है। परिपक्वता में यह पौधा 8 से 12 फीट लंबा और चौड़ा होता है और गर्मियों में उज्जवल लाल नारंगी रंग के खिलते हैं। इस पौधे का उपयोग न सिर्फ बगीचों में सुगंध प्रदान करने के लिए बल्कि पौधे का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस पौधे का उपयोग गंध के लिए किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग चाय में खुशबू लाने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे के पत्तियों का प्रयोग स्वाद की करी के लिए भी किया जाता है। इस पौधे का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। इस पौधे की पत्तियां कसैले, उत्तेजक और टॉनिक हैं। इसका उपयोग ड्राफ्ट, डायरिया और पेचिश के उपचार में भी किया जाता है। इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर दांतों के लिए माउथ वाश के रूप में भी किया जाता है। कटने और छिलने पर इसके पत्तियों का पेस्ट भी लगाया जाता है। इससे बहुत जल्द आराम होता है। ताजी पत्तियों का उपयोग जहरीले सांप के काटने के अलावा मोच और संदूषण के कारण होने वाले सूजन के इलाज में भी किया जाता है। इसके फूलों में से एक आवश्यक तेल प्राप्त होता है जिसका उपयोग इत्र के लिए भी किया जाता है। एक कप पानी में केवल दो पत्तियां उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर पीने से श्वास रोग में लाभ होता है। बेडरूम में इसके कुछ फूलों को रखने से बेडरूम सुगंधित और मनमोहक हो जाता है। मधुकामनी के फूलों की सुगंध मानसिक तनाव से राहत दिलाती है। कामनी एक बहुत ही लाभकारी, सुगंधित और मनमोहक पौधा है। आप इसे अपने बगीचे या फिर अपने घरों में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी सुगंध से मन प्रसन्न और तनाव दूर होता है। लेकिन प्लीज़ बस 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।